अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाँ, कर क्या हाल है रहे? तुझे? माशाल्लाह। मेरा प्रा आ गया यहाँ क्रिकेट खेलना, वही क्रिकेट खेले थे, क्रिकेट खेलना तो कितना। और तुम्हारे जाते इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अच्छी से कहूंगा, कोई जिहाद अगर है ना तो सबसे बड़ा जिहाद है दाढ़ी रखना। आज के दौर में अगर तुम देखा जाए तो नफ्सी खदम रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो स्टार्ट अपने रूम से कर रहा हूँ। और एक्चुअली ऐसा है कि एक हमारे फ्रेंड है बहुत पुराने, जो यहाँ पर सऊदी के अंदर 7 साल या 8 साल रह के गए। उनका घर मैं दिखाता हूँ, वो सामने वाली जो बिल्डिंग है ये ऊंची वाली, इस 7 से 8 साल यहाँ पर जॉब करी। उसके बाद में वो शादी थी 2021 में उनकी, शायद शादी थी लास्ट में, वो चले गए। उसके बाद में वो फुरुज चले गए। अब वहां से वो यहाँ दोबारा आए काम करने के लिए, लेकिन अब वो आजाद वीजे से आए, ना कफील के ऊपर आए ना मैडम के किसी वीजे पे आए, वो आजाद वीजे से आए। तो वो आज रात आ गए, अब मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो मेरे बहुत करीबी थे और उनका सुना लुक बिल्कुल चेंज हो गया, उनका जो है लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। आप दिखाएंगे उनका पहले का फोटो, देख सकते हो ये है, और अब कैसे हैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कैसे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, दिस माई बेस्ट फ्रेंड बिफोर आई थिंक 3 ईयर्स, उससे पहले वो 4 से 5 साल मेरे साथ रहे। कोरोना में जितना टाइम था मैंने उनके साथ गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा हम क्लोज फ्रेंड थे। यहाँ बैठना, इस रूम में रहना और साथ जाना बैठना बहुत सारा था। लेकिन वो आई हो उनका गुड लक, क्या उनकी ज़िंदगी अच्छी कटा आगे, उनका फ्यूचर बढ़िया हो। तो वो आने वाले हैं, आपसे मिलाएंगे इंशाल्लाह। वो बस आने वाले हैं कुछ देर में, रात किसी और के पास सोए थे वो, लेकिन अब मिलने वाले हैं शाम को। और दोपहर की दावत भी उनकी हमारे पास है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। देखना अब ये है कि वो आजाद वीजे से आए यहाँ पर, अपनी न्यू स्टार्टिंग लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो एक कफील के अंडर में थे। अब वो नई लाइफ, नई जिंदगी यहाँ पर किस तरीके से गुजारेंगे? अभी इनका कोई यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वीजा उन्होंने खरीदा प्राइवेट आजाद वीजा, और स्टार्ट करने वाले हैं काम। क्या करेंगे वो, सारी जर्नी आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में, और आगे फ्यूचर के लिए आपको मिलेगी, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आजाद वीजे से किस तरीके से आते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। आ गया मेरा दोस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है तुझे? मेरा प्रा आ गया कोरोना का हाल कैसा लगा? कैसा लगा है ये ताऊन के बाहर? माशाल्लाह अरबी मालूम ये मेरे दोस्त है, मैंने आपको बताया वीडियो में, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड बिफोर 3 इयर्स, आई थिंक 3 साल पहले ये यहीं रहते थे। ये पुकार पुकार कहेंगे वही निरफान, वही निरफान, दिस इज इरफान। इनका रियल मेंशन करूंगा, देख लेना पहले क्या थे और आज माशाल्लाह क्या बात है यार। आओ आओ आ जाओ आ जाओ। कारी साहब के असरात हुए माशाल्लाह, करते रहते माशाल्लाह यार। असल में कोरोना में पता कितना सबों की कुर्बानी है माशाल्लाह, हमें कुछ ना कुछ माशाल्लाह हमें, लेकिन यार बताते रहते थे, बहुत बहुत याद है आपको, ही बहुत मिस करते थे आपको, याद करते। नहीं यार, असल में यहाँ पर माहौल अच्छा था उस टाइम पे, बहुत बढ़िया सब लोग थे, बैठना उठना खाना पीना साथ में था, तो कमाई तो थी जो भी थी, लेकिन उससे ज्यादा इसके अंदर क्रिकेट खेलना, वही क्रिकेट खेले थे, क्रिकेट खेले तो कितना। और तुम्हारे जाते इन्होंने दूसरी शादी कर ली, देखो ये हमारे दोस्त हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी, अल्लाह ताला ने उनको आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की दाढ़ी रखना। सबसे मैं आज के जमाने में अगर किसी से कहूंगा कोई जिहाद अगर है ना तो सबसे बड़ा जिहाद है दाढ़ी रखना। आज के दौर में अगर तुम देखा जाए तो नफ्सी खदम रखे उस दाढ़ी के बाल, एक दाढ़ी है क्या जिंदा करना। ऐसा नहीं कह रहा है सब दाढ़ी वाले बहुत नेक हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो चोर की दाढ़ी रख लेता। हाँ, लेकिन दाढ़ी रख के आदमी कम से कम दिन में यार कई ऐसे गुनाह है, वो कम से कम दाढ़ी को लिहाज से नहीं करता, कहता यार मेरी दाढ़ी यार अच्छा नहीं। इतनी तो अल्लाह ताला ने आपको दी, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। और कैसी शादी कैसी रही, फैमिली कैसी है, बेटी कैसी है? हाँ तो दोस्तों, कल के बाद में सेकंड डे आज है, और आज इरफान भाई साहब पूछेंगे इनके हाल चाल, सारी कहानी आपसे पूछेंगे। इरफान भाई, पहला दिन सेकंड डे आपको कैसा लगा? पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा,
असल बात तो ये है कि वहाँ इंडिया में तो बहुत मशहूर शराबा होता रहता था, यहाँ पर सुकून है। वहाँ की रौनक अलग थी और यहाँ का निजाम अलग ही है। अलग ही है क्योंकि यहाँ सुबह जो होती है वो रात की तरह है, जैसे यहाँ रात की वहाँ दिन की तरह है। तो ये है यहाँ कितने, कितने साल यहाँ पर रहे थे पहले तुम? यहाँ तकरीबन मैं पहले छह साल या ज्यादा, छह साल कम करे। हाँ, छह साल रहे ये, उसके बाद ये इंडिया चले गए, शादी वादी करी, उसके बाद में अब दो साल के बाद आए ना? जी तीन साल हो गए, मिनिमम तीन साल के बाद में अब ये रिटर्न आए। और अब जो आएंगे, पहले ये किसी के कफाले में थे, यानी कि इनका कफील था पहले, और अब जो आएंगे आजाद वीजे से आए, कि अब इनका कोई दखल नहीं किसी कफील का, कुछ नहीं, अपना काम करेंगे, अपनी गाड़ी खरीदे, अपना कुछ करें, बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं ये। लेकिन बस दुआ इनके लिए ये है हमारी तरफ से, और ऑडियंस आपकी तरफ से दुआ करिए, अल्लाह पाक इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, इनका आईडी सारी बन जाए, उसके बाद में काम इंशाल्लाह करेंगे। और पहले की वीडियो फोटो मैं आपको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे थे ये शादी से पहले, और आज चेंज कर लिया पूरा खुद को। लेकिन यही देखा होगा तुमने कि वहां में यहाँ बहुत फर्क है, यानी कमाई में, यहाँ झूठ झाट नहीं है यहाँ पर, वहाँ झूठ बहुत है। वो तो असल बंदे के ऊपर होता है ना, वो ना वहाँ लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं कारोबार करने में। अक्सर हर जगह हर बंदा हर तरह की नोयत का मिलता है, तो बंदा बस अपनी रिज्क हलाल कमाए, असल तो बंदे के ऊपर है, जैसा करेगा वो वैसे करेगा। अपनी कमाई को खुद को पाक भी कर सकता है, खुद को नापाक भी कर सकता है, क्योंकि बंदे के अख्तियार में है, असल तो बंदे के अख्तियार में। ये इरफान भाई है और ये बंदा हमारे हैं भाई पंजाब वाला, कोई देख रहा तो कमेंट करके जरूर बचा। पंजाब किधर से आप? मलेरकोटला से है, ठीक है, पंजाब के मलेरकोटला के। तो ये YouTube चैनल, मैं आपको बताऊं कि YouTube चैनल हमने स्टार्ट किया था तो ये इरफान भाई के साथ में ही हमने आईडी बनाई थी ना, शायद पहली वीडियो बनाई थी आपके साथ में, ऐसी बनाई थी, डाल दी थी तकरीबन। हाँ, मेरे को याद है शाहनवाज से बनवाया था मैंने अकाउंट, बट तुम्हारे साथ में एक वीडियो बनाई थी ऐसी, तो जब का चैनल बना हुआ इनके सामने, लेकिन बहुत पहले वीडियो नहीं डालता था मैं, अब रेगुलर डालता हूँ। तो इनकी याद है जुड़ी हुई है यूट्यूब चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके साथ में मैं काफी दिन रहा यहाँ पे, तो बहुत क्लोज फ्रेंड थे कोरोना में, बहुत एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि कोरोना में तो आपको पता ही है इतना बुरा हाल था कि एक दूसरे से आदमी परेशान था, कहीं जाने के नहीं, तो आमने सामने घर था, खाना पीना, उसके बाद में रात को रहना, खेलना, ये वो सारी चीजें बहुत साथ थी। तो ये हमारे फ्रेंड इरफान भाई, ये आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और इनके लिए खास तौर से आप बूढ़े हमारे माए बहने जो भी देख रही है ये बुजुर्ग, खास तौर से इनका नाम इरफान, इनकी दुआ करिए अल्लाह पाक इनके डॉक्यूमेंट जल्दी तैयार हो जाएं, अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस इनको अल्लाह ताला करे। तो ये दुआएं हमारे तरफ से इरफान भाई के लिए, और हमारे लिए भी आप दुआ करिएगा। जो नए हैं ना वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने लाइक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें।